राजीव गांधी अमर रहे। राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष प्रमोद सावंत, गट नेता विजय रामदार, एडवोकेट खान, अनिल सावंत, अशरफ शेख, राहुल राजीव, लीगल सेल के प्रेसिडेंट की तिवारी, विनय सक्सेना, चंद्रकांत मोदी, अक्षर भाई, सभी के पदाधिकारी, अक्रम खाना, रुमिना पूजन, सभी पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व के प्रभाग के सभी सेल के सभी फ्रंटल के पदाधिकारी उपस्थित भाइयों बहनों दोस्तों, राजीव जी की आज जयंती है। राजीव जी वो व्यक्ति लोगों थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान को 21वें शतक में ले जाने का काम उन्होंने 20वें शतक में किया। आज जो टेक्नोलॉजी आपके हमारे हाथों में रहती है वो दूरदृष्टि नेतृत्व था कि जिसने आपके 30-35-40 साल पहले इस बात को समझा था कि अगर हिंदुस्तान को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो टेक्नोलॉजी के बगैर ये एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता। और आप हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका हो या वेस्टर्न वर्ल्ड की कोई भी कंट्रीज हो, सबके लिए आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान की कंपनियां सब में आगे हैं। चाहे टीसीएस हो, चाहे वो इंफोसिस हो, चाहे वो पूरी दुनिया में सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, इंडियन कंपनीज आर लीडिंग इन आईटी सेक्टर। ये अगर हुआ है तो उतना ही नहीं, रूरल इकोनॉमी में जो अधिकार जिला और राज्य स्तर पर है उन अधिकारों को ग्राम पंचायत तक और जिला परिषद तक के डायरेक्ट पैसे वहां तक के उनके हाथ में पहुंचाने का काम और उनके माध्यम से गांव का, रूरल इकोनॉमी का और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का फैसला भी राजीव जी ने किया। महिलाओं को आरक्षण लोकल सेल प्रोडक्ट में अगर 50% महिलाएं हमको ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका में दिखती है तो उसका हिंदुस्तान राज्य अभी खड़ा है उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण राजीव जी ने निभाई है, उसे भूल कर नहीं चल सकता। पीने का पानी, बढ़ती हुई आबादी, शहरीकरण और उसके लिए पीने के पानी की फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन केंद्र करना काम उन्होंने किया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उस दिशा में काम, पोल्यूशन, एनवायरमेंट, सीआरजेड, इन तमाम पर अच्छे काम किया है। यही सारे मुद्दे जो है महत्वपूर्ण है, आज दुनिया इसी पर चर्चा करती है। पोल्यूशन इतना नुकसानदायक है, ये सारे मुद्दों पे जब चर्चा करते थे पार्लियामेंट
जो सत्ताधारी है क्या इस आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रोटी मिलेगी, वो इस बात की मजाक उड़ाया करते थे कि रेलवे की टिकट कंप्यूटर के ऊपर बुक हो सकती है क्या। आज उन्हीं बातों को लेकर के खुद का प्रचार माध्यम का काम भाजपा वाले कर रहे हैं। देश को लीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक दूरदृष्टिकोण नेतृत्व लगता है और वो दूरदृष्टिकोण नेतृत्व राजीव जी का था। आज उनकी जयंती है, कांग्रेस के कार्यालय में हेल्थ कैंप का कैंप किया जा रहा है, भयंदर वेस्ट में, ईस्ट में। 25 तारीख को जिस तरह से प्रमोद ने बताया, कांग्रेस के सभी कार्यालय में 26 के बजे 26 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भयंदर ईस्ट वेस्ट शांतिनगर में प्रमोद सावंत का जो दफ्तर है वहां पर आप सभी लोग खुद भी ब्लड डोनेट कीजिएगा और दूसरों को भी पाएंगे। जितने लोग यहां मौजूद है और हर एक जैसे 10 लोगों को भी लाया तो 1000 बोतल जमा हो 1000। 26 तारीख के दिन का मैंने मैसेज भेजा है, कितने लोगों ने पढ़ा मुझे पता नहीं है, कि कोई भी मेहरबानी करके हार फूल बुके मत लाइएगा। हर पार्टी वर्कर ने सिर्फ 100 रुपए ब्लड रिलीफ कैंप में देना है। कितने लोग नहीं देंगे हाथ ऊपर करना, स्वतंत्रता नहीं मिले उन्हें। तो किसी ने भी हार फूल बुके नहीं लाना है। मैंने पार्टी के सभी वर्कर से कहा है कि सिर्फ 100 रुपया। इसका यह मतलब नहीं कि आप 101 और 1000 नहीं दे सकते, 500 नहीं दे सकते, वो भी दे सकते हैं, 5000 भी दे सकते हैं, 10000 भी दे सकते हैं। ये मिनिमम है कि पार्टी के वर्कर ने 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट फ्लड रिलीफ में करना है। और किसी भी तरह का शोर शराबा नाच गाना ये फटाका आतिशबाजी ये नहीं हो। फ्लड आई है महाराष्ट्र के अंदर, दो परिस्थितियां बनी है कि कुछ जिले के अंदर फ्लड इफेक्टेड हुआ है, उन्होंने प्राप्त हुआ पूछताछ। ऐसी परिस्थिति में हमको कोई भी प्रकार का त्यौहार या खुशियां नहीं मनाना चाहिए, बल्कि लोगों के हित में उसमें मदद कार्य में हाथ बटाना चाहिए। आज आप इतना पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।